नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चोक या मिट्टी खाने के नुकसान के बारे में। दोस्तों अक्सर लोगों का मन चोक या मिट्टी खाने का करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग इसे आम बात समझकर भूल जाते हैं, मगर क्या आपको पता ये आपके शरीर में खून की कमी समेत अन्य बीमारियों को दर्शाती हैं। नंबर एक, डॉक्टरों के मुताबिक जिन लोगों का मन चोक या मिट्टी खाने का करता है उनके शरीर में खून की कमी होती है, ये एनीमिया बीमारी का कारण बनता है। नंबर दो, खून की कमी की मुख्य वजह आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी है। जब हम चोक खाते हैं तो इनमें से कुछ खनिज इनमें शामिल होते हैं। नंबर तीन, एक व्यक्ति को रोज करीब 1 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, जिनमें 10% आयरन आंत इंटेस्टाइन अवशोषित कर लेती है, लिहाजा हमें कम से कम 10 मिलीग्राम आयरन चाहिए, यानी 2000 कैलोरी रोज लेना आवश्यक है। नंबर चार, जब हम चोक खाने लगते हैं तब शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा आने लगती है, इससे शरीर में कमजोरी आती है। नंबर पाँच, चोक खाने का मन करने पर शरीर खाने से पोषक तत्व निकालना बंद करने लगता है, इससे शरीर में आयरन एवं अन्य विटामिन्स की कमी हो जाती है। नंबर छः, जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं उन्हें भी चोक या मिट्टी खाने का मन करता है। नंबर सात, अगर आपके शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है तब भी आपका मन चोक खाने का करेगा। नंबर नौ, जिन लोगों की पाचन क्रिया खराब होती है उनमें चोक खाने की इच्छा होती है। नंबर दस, प्रेगनेंसी में कई बार टेस्ट बड्स सही से काम नहीं करते हैं, इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को अपनी ज़रूरत के बारे में समझ नहीं आता है, ऐसे में उनमें चोक या मिट्टी खाने की इच्छा होती है।